अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है फिर आप लोगों का? होपफुली भाई सभी ठीक ठाक होंगे। वेलकम होगा थोड़े सारे का आज नवे ब्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो भाई मैं काइंडली रिक्वेस्ट के साथ कहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप जो न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, काइंडली रिक्वेस्ट वाली बात है। ये पता है कौन सी मशीन है? बोर बोर करवाना हो ना भाई, पानी का बड़ा ट्रिपाने जो पंप वगैरह होते हैं ये उनकी मशीनें। चलता हूँ घर लेके दूध वगैरह। अभी दूध पक लिया था ये चेक करो, और बिल्ला भी आ गया था फाइनली। आज उनके पता नहीं छुट्टी है, उसका छोटा भैया आ गया लेकिन अभी वो नहीं आया। तो चलो फिर होती है, इधर से दफा आ गया था उधर से वेली से। ये देखो ऐसे भी पास बैठा, ऐसे नहीं था आज के अब्दुल्ला गया था। तो अभी भाई हम बैठे हैं, कोई थोड़ी मैंने कहा चलो दो कोई विटामिन डी अपना पूरा कर लें, कोई थोड़ा बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कि आपको पता है कोई घर भी नहीं, इज्जत बाहर भी नहीं है, उन्होंने निकाल दिया उन दोनों को बाहर। लोग बीच पे जाके बाहर किनारों पर बैठ के इंजॉय करते हैं लेकिन हमें रूढ़ी इंजॉय कर रहे हैं, है ना सीन? चेक करो क्या बात है, क्या है ना सीन? नहीं यार वो दूर है थोड़ी, इस वजह से हम थोड़ा इधर बैठे थे। वो देखो चला गया एहसन, उसे ना ऐसी बातों में बड़ी ना वो फील होती है, गिल्टी फील होती है। वो समझते कि यार पता नहीं मैं कोई इतना कोई बड़ा रही हूँ भाई, इधर मैं बैठ के धूप इंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे ही वक्त रही। ये देखो भाई प्लाटिंग है ना, इधर आते रहते डेली कोई, ये पेंटर है अभी, इन्होंने लिखना है कि भाई प्लाट ब्रेफ रोक। जैसे ही सारा मुकम्मल होता है ना आप प्रॉपर दिखाऊंगा, इन्होंने लिखा गया हुआ है। One hour later. अब हम चले गए थे घर, ठीक है। तो अभी ये देखो वापिस हम गुजरे थे, लिख लिया उन्होंने वही सारा प्लेट वगैरह फरोख्ते रकबा 10 मर ले, ठीक है। तो अभी मैं और ऐसे जा रहे थे नमाज पढ़ने, उधर से मैं आ गया था डॉक्टर अब्दुल स्टार लैब। ये चेक करो भाई, सियालकोट की सबसे मशहूर लैब है। अभी मैं अंदर चलता हूँ, अपनी लैब का जो ना आपको विजिट करवाता हूँ। इसका तो आपको पता ही होना है। कैसे हो? ठीक हो? ये बंद करिए यार, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे। आज के जितने भी टेस्ट हैं ये पड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बहुत और बात क्लियर कर दूं, ये इधर टेस्ट परफॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ ये कलेक्शन सेंटर है। तो रिपोर्ट जो है ना इसकी पीडीएफ मिलेगी भाई, ऑनलाइन भी मिलेगी। और अभी फाइनली हमारे जो कैसे हैं शिराज भाई, शिराज नाम है इनका। तो ये लैब, इस लैब के मैनेजर ये हैं भाई। कैसा काम चल रहा है आजकल फिर? हाँ जी शुक्र अल्लाह का जबरदस्त। आजकल यार अभी थोड़ा सा मौसम वगैरह जो है ना इस तरह का हो गया। हाँ लेकिन शुक्र अल्लाह का बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है हमारा। हाँ। ये भी बता दूं कि भाई इनके जो टेस्ट होते हैं ना, जो रिजल्ट आता है वो आप यूएसए से भी जाके करवाएंगे ना, वो सेम रिजल्ट होगा। एक चीज मैं आपको फिर से कंफर्म कर दूं, मैंने पहले भी बताया उधर कि ये सिर्फ कलेक्शन सेंटर है, इधर को टेस्ट परफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। और मैं आपको यही बताता हूँ कि इनके कितने कलेक्शन सेंटर किधर किधर अवेलेबल है, मैं वो शराज भाई से पूछता हूँ। पूछते हैं भाई ये किधर किधर कलेक्शन सेंटर है इनके? ये जो हमारी असामा भाई मेन लैब है ना, ये सियालकोट लालादर चौक, लालादर चौक ना सिविल हॉस्पिटल के साथ भी जो हमारे कलेक्शन सेंटर है सारे, वो उधर सैंपल भेजते हैं शाम को, ठीक है। उधर से जो रिपोर्ट है ना वो ऑनलाइन हो गया। एक कलेक्शन सेंटर हमारा पसरूर है, पसरूर अब्दुल स्टार हॉस्पिटल भी है, ठीक है। उसके बाद चमिंडा में भी है, उसके बाद डस्का में भी है, ठीक है। अभी हम नारोवाल में भी जो है ना हमारे बना रहे हैं है, वो हाँ वो स्टार्ट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जगह वगैरह देख रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और मजीद जो है ना इसके ज़्यादा कलेक्शन सेंटर भागोवाल वगैरह में और भी बहुत सारी, जफरवाल में भी बनेगा और भी बहुत सारी जगहों में बनेगा। सही है। ये है कि माशाल्लाह इनका रिजल्ट बड़ा कमाल का, ठीक है। चुगताई लैब हो गई, आगा खान लैब हो गई, जो है ना तकरीबन इसी लेवल का रिजल्ट है और रेट्स भी इनसे मुनासिब है। इनकी जो रिजल्ट लेवल है वो बड़ा कमाल है। सही बात है, ऐसी बात है। तो मैं तो सबको भी कहूँगा कि अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम उसको कंसेशन भी देंगे और उसको रिजल्ट भी अच्छा देंगे। अच्छा मेरा व्लॉग, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। उधर से आ गए थे मैं लैब से वेल लिया। हाय बिल्ला, हाय हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अभी ओए ध्यान से चलाएं यार, ये देखो बोर्ड कितना कोई बड़ा है, अंधेरा हो गया ना तो हवेली की लाइटें शाइटें भी तो ऑन करनी है ना। हाँ हाँ वो देखी है कि चंबड़ ना नहीं साथ इसके। आए हाय हाय व्यू आ गए पहले, अब तो चिट्टा हो गया यार, चिट्टा हो गया पहले से। ओए वो पौधे की भी, ये पौधा भाई लाइटिंग वाला, चला दे। आ हा हा हा,
क्या बात है, क्या बात है। इसका पता आपको बिल्ले का छोटा भाई है, छोटी आइटम बिना बहुत ही कुछ सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गया वो ये यार। अच्छा तुम बताओ क्या किया इन्होंने? बेचारा रोटी के आधा जिप्ते मार दिया, बेचारा गुस्से में चला गया, खा रहा था रोटी, तीनों खा रहे थे, एहसान अब्दुल्ला और सुहेब, और हाँ ये चौथा भी आ जाए साथ मिल के। सारों ने उसे इतनी कुछ जुगतबाजी की, इतनी कोई मतलब उसकी मीठी मीठी की कि वो इतना पहले नहीं था होता यार, आग भगोला हो कि वो चला गया पता नहीं गया किधर है, अब ये नहीं कोई भी जानता। मैंने कॉल किया आगे अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने उसे कॉल की, पहली कॉल उसने एंड कर दी, काट दी मतलब, और दूसरी कॉल अपना मोबाइल पे ऑफ कर दिया। तो अभी वो तो दोनों निकल गए ढूंढने के किधर चला गया। हम दोनों भी जाना चाहते हैं बाइक पे, उसे जाके ढूंढते हैं गया किधर है यार। मैं भी जाने लगा था, ये देखो बाइक पे बैठ गया था, वो आ गया, अभी चलते हैं उसके पास। ज़ेब इधर आ। ओए ज़ेब। वालेकुम सलाम। जुगते जुगते कोई नहीं है, छोड़। सीरियस सीरियस हो गए, पानी भी आ गया। मैं सीरियस, फुल सीरियस। हां की वेना तू जुगता मार गया नु आ जा, तेरा कारण ला यार। कुत्ते नाल बोलण दा कोई मकसद हैगा? देखा हम कुत्तों से बात नहीं करते। इन हड्डियां लगी है जा रहा है नुकरे बैक आ गया। देख लो वाकई में सीरियस यार, इन्होंने वाकई में कुछ कहा है। यार मैं भी अंदर आ गया, उसे भी अंदर आ गया। तो भाई इसका तो आपको पता ही है, एम आर उसामा भाई। मुझे बता भाई, तो आज के लिए यार बस इतना ही, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, काइंडली रिक्वेस्ट वाली बात है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह 24 घंटे के ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।